नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों दिल्ली दे गुरु रविदास मंदिर दा मामला केंद्र सरकार नाल उठाए जाण दा भरोसा। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश वल्लों सूबा वासियां नूं शांति बनाई रखण दी अपील। भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर उसका अंदरूनी मामला है। पाबंदियां दे बावजूद कश्मीर घाटी च वड्डी गिनती च नागरिकां वल्लों ईद उल अजहा दी नमाज अदा कीती गई। महाराष्ट्र ते कर्नाटक विच मीह रुकण नाल हड़ां दी हालत विच सुधार, बचा ते राहत कारजां च तेजी। ते हुण खबरां विस्थार नाल। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां ते दिल्ली के तुगलकाबाद विखे स्थित श्री गुरु रविदास मंदिर अते समाधि नूं हाल ही ची ढा देण नाल रविदासिया भाईचारे च पैदा होए तनाव नूं दूर करन लई निजी तौर ते दखल देण। मुख्यमंत्री ने यह अपील गुरु रविदास जयंती समारोह समिति के बैनर हेठ भाईचारे के मैंबरां वल्लों कीते गए सूबा पदरी प्रदर्शनों तों बाद कीती है, जिन्हां ने अज पंजाब बंद का सद्दा दित्ता ते 15 अगस्त नूं काले दिन वजों मनाउण दा ऐलान कीता है। मुख्यमंत्री ने भाईचारे नूं अपने प्रदर्शन बंद करन दी अपील कीती ते आख्या कि उन्हां दी सरकार केंद्र सरकार नाल इस मसले दा सुखावां हल कढ़न लई भाईचारे नूं पूरा सहयोग देण लई तैयार है। इस मामले दी पैरवी करन अते ढाए गए ढांचे दा उसे जगह ते मुड़ निर्माण करन लई रविदासिया भाईचारे नूं कानूनी अते वित्तीय सहायता मुहैया कराउण दा भरोसा दिंदिआं मुख्यमंत्री ने 5 मैंबरी कमेटी दा गठन कीता जो भाईचारे दे धार्मिक अते सियासी नुमाइंदिआं नूं मिलण तों इलावा केंद्र नाल इस मसले नूं सुलझाउण लई व्यापक रणनीति भी घड़ेगी। कमेटी के मैंबरां च मैंबर पार्लीमेंट चौधरी संतोख सिंह, तकनीकी सिख्या मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, समाजिक सुरक्षा मंत्री अरुणा चौधरी ते विधानकर सुशील कुमार रिंकू ते राजकुमार चब्बेवाल शामिल ने। पंजाब स्कूल सिख्या बोर्ड वल्लों अज होण वालियां 10वीं ते 12वीं दीआं पूरक प्रीख्यावां नूं मुलतवी कर दिता गया है। केंद्रीय मंत्री ते हुशियारपुर लोक सभा हलके तो संसद मैंबर सोम प्रकाश ने पंजाब वासियां नूं अमन शांति बरकरार रखण दी अपील कीती है। फगवाड़ा तो जारी एक बयान विच सोम प्रकाश ने दिल्ली दे एक इलाके श्री गुरु रविदास मंदिर नूं ढाए जाण ते चिंता प्रगट करदिआं कहा कि इस मामले ते साथी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी नूं नाल लैके दिल्ली दे उपराज्यपाल अनिल बैजल नाल मुलाकात करनगे। उन्हां रविदासिया भाईचारे नूं भरोसा दित्ता कि उस समस्या दे हल लई अपनी पूरी बाह लाउणगे। सोम प्रकाश ने पंजाब दे नागरिकां नूं अज दित्ते के पंजाब बंद दे सद्दे तो परे रहण दी अपील कीती है। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने नवी दिल्ली च पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं तुगलकाबाद इलाके श्री गुरु रविदास जी दा इतिहासक मंदिर टौण दी सख्त निखेधी करदिआं कहा कि अकाली दल इस केस दी कानूनी लड़ाई विच रविदास भाईचारे दी मदद करेगा अते इतिहासक मंदिर दी मुड़ उसारी दा खर्चा भी उठाउण लई तैयार है। सुखबीर बादल ने आख्या कि इह श्री गुरु रविदास जी दे पंजाब अते पंजाब तों बाहर रहिंदे लक्खां श्रद्धालुआं दे विश्वास अते भरोसे दा सवाल है। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान ने आख्या कि ओह इह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाल उठा के इस मसले नूं हल कराउण दी कोशिश करनगे। भारत ने आख्या कि जम्मू कश्मीर नरूल तौर ते भारत दा अंदरूनी मामला है ते भारत ने किसे होर मुल्क दे इलाके ते कदे अख नहीं रखी। चीन दे दौरे ते गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग च भारत चीन मीडिया मंच नूं संबोधन करदिआं कहा कि उन्हां वल्लों चीन दे विदेश मंत्री वांग जी ते होरनां नेतावां नाल दुबलियां मीटिंगां च चीन नूं स्पष्ट कर दित्ता गया कि जम्मू कश्मीर भारत दा अंदरूनी मामला है। जयशंकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर विच धारा 370 नूं खत्म कीते जाण नाल चीन नाल लगदी असल कंट्रोल रेखा ते होरनी थाईं हद दे मामले उपर कोई असर नहीं होने वाला। जयशंकर ने दसे कि भारत ते चीन ने वक्ख वक्ख खेतरां च सहयोग वधाउण संबंधी 4 समझौतियां उपर दस्तखत कीते ने, जिन्हां तहत दोहां देशां वल्लों वक्ख वक्ख खेतरां च आपो आपणियां सरगर्मियां वधाईयां जाणगियां। We have just now concluded 4 MOUs agreements which include 1 promoting cultural exchanges for the preservation of intangible cultural heritage, organization of cultural activities and management of archaeological heritage sites. 2, enhance cooperation in the field of traditional medicine, where both countries have a rich knowledge accumulated over centuries, with the objective of promoting the development of traditional medicine in the healthcare systems of the two countries.
जयशंकर ने दस्सिया कि चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा नूं वधाउण लई कुछ सुझाव पेश कीते ने ते भारत उन्हां दा स्वागत करदा है। एजेंसी खबरां मुताबिक विदेश मंत्री ने चीन दे राष्ट्रपति शी जिनपिंग वल्लों इस वरे होण वाले भारत दे दौरे बारे भी चीन दे उपराष्ट्रपति नाल चर्चा कीती। जम्मू कश्मीर दे सारे हिस्सों च कल ईद दी नमाज शांतिपूर्ण ढंग नाल अदा कीती गई। वड्डी गिनती च लोकां ने मसीतां च इकट्ठे होके मनुक्खता दी भलाई दी अरदास कीती ते इक दूजे नूं ईद दी वधाई दित्ती। बांदीपुरा, बारामुला, कुपवाड़ा, त्रेगाम, सपोर, पुलगाम अते पुलवामा समेत कई थावां ते वड्डी गिनती च लोकां ने ईद दी नमाज अदा कीती। श्रीनगर दे वधेरे नाजुक इलाकियां च अमन कानून दी स्थिति नूं बहाल रखण लई कुछ पाबंदियां लाईआं गईआं सन, पर लोकां ने वड्डी गिनती च इकट्ठे होके नमाज अदा कीती। जम्मू खेतर विच भी मस्जिदां विच वड्डी गिनती च नमाजी पुज्जे हुए सन। जम्मू अते कश्मीर विच पिछले हफ्ते लगाईआं गईआं पाबंदियां ते शनिवार तों कुछ ढिल दित्ती गई। सूबे च आवाजाई संबंधी पाबंदियां अजे भी लागू ने, पर दूजे सूबियां च रह रहे अपने संबंधियां ते बच्चियां नाल राबता कायम करन लई लोकां नूं विशेष सहूलतां दित्तियां गईआं ने। डिप्टी कमिश्नर दे दफ्तर अते पुलिस थाणियां समेत होरनां थावां ते हैल्पलाइन दा प्रबंध कीता गया तां जो दूजे सूबियां च रह रहे व्यक्ति अपने परिवारक मैंबरां नाल गल्लबात कर सकन। अजिहीआं थावां ते हर रोज़ वड्डी गिनती च टैलीफोन कॉलां आ रही ने। श्रीनगर च एक ही दिन विच 5,000 तों वध कॉलां कीतियां गईआं। कश्मीर डिवीजन च टैलीफोन ते संपर्क करन लई 300 तों वध जनतक केंद्र बनाए गए ने। मीडिया दे लई सूबा सरकार वल्लों एक विशेष मीडिया सेंटर खोलिया गया। कौमी सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वादी च सुरक्षा स्थिति का जायजा लैण लई कल श्रीनगर अते दक्खण कश्मीर दे इलाकियां दा हवाई सर्वेखण कीता। इस तों इलावा पुलिस मुखी दिलबाग सिंह अते फौज दे कमांडरां ने वादी दे वख-वख इलाकियां च हवाई सर्वेखण कीता। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस गल का खंडन किया कि कश्मीर घाटी च गोलीबारी की कोई घटना हुई है। श्रीनगर च पत्रकारों नाल गलबात करदिया IGSP पाणी ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन शांति अते अमन बहाली कायम रखने लई वचनबद्ध है ते पुलिस इस दे लई काम कर रही है। उन्हां आखे कि आम लोग पूरे अमन अमान नाल अपने रोज़मर्रा के कामां नूं निपटा रहे ने। उन्हां इह वी आखे कि इक्का दुक्का थावां ते कुछ शरारती अंसरां ने अमन कानून नूं टाल लाउण दी कोशिश कीती जिस नूं पेशेवर ढंग नाल नजिठ लिया गया सी। We see some malicious campaign by on the social media platform is being done, and that has been strongly refuted, and we also request citizen not to pay attention to any such kind of malicious campaign which is being done which is being carried out by mischievous people. We have strongly denied this, and we have also taken up the matter with the service provider to take legal action as per the law. जम्मू कश्मीर सरकार दे बुलारे रोहित कांसल ने दस्सिया कि समुचे सूबे च ईद वाले दिन कोई भी अणसुखावी घटना नहीं हुई ते लोकां ने आम वांग मस्जिदां विच जाके नमाज अदा कीती। कश्मीर घाटी दे कई इलाकियां च लगियां पाबंदियां ढिल दित्ती गई ते लोकां ने सुखावें माहौल विच त्यौहार मनाया। ईद प्रेयर्स जो हैं सक्सेसफुली कंक्लूड हो चुके हैं। जैसे जम्मू की मैं बात करूं तो वहां ईदगाह में 5,000 से ज़्यादा डिवोटीज़ ने ईद प्रेयर्स ऑफर की। इसी तरह मैं कश्मीर घाटी की बात करूं तो हमारे पास तमाम जगह से ईद प्रेयर्स जो हैं कंक्लूड होने के सक्सेसफुली कंक्लूड होने के खबरें आ रही हैं। बारामूला से जहां हिस्टोरिक जामा मस्जिद में लोगों ने ईद की प्रेयर्स ऑफर की, इसी तरह रामबन से, इसी तरह अनंतनाग से, शुपियान से, अवंतीपुरा से, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से, तमाम जगह से हमारे पास खबरें आ रही हैं कि ईद प्रेयर्स जो हैं सक्सेसफुली कंक्लूड हो चुकी हैं। केंद्र सरकार दे सीनियर अधिकारी स्पष्ट कर चुके ने कि कंट्रोल रेखा दे दूजे पासियों भारतीय खेतर विच कीती जाण वाली किसी भी घुसपैठ नाल भारतीय सुरक्षा दस्ते सख्ती नाल नजिठणगे। अधिकारियों ने भी आखे कि भारत दे नाल रणनीतिक संबंधां दा दर्जा घटाउण अते दुवल्ला व्यापार बंद करन बारे पाकिस्तान वल्लों कीता गया ऐलान उस दी हताशा नूं दर्शाउंदा है। पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री भारत वल्लों चुके गए इस कदम तों बाद ऐलान कर चुके ने कि ओह इस संबंध विच इक तरफा कदम चुक सकदे ने। इमरान खान ने दुनिया दे कई उगे आगूआं नाल फोन ते संपर्क करन दी कोशिश कीती, पर सारे आगुओं ने उन्हां नूं इही सलाह दित्ती है कि उह भारत दे नाल गल्लबात शुरू करन अते खेतर विच तनाव ना वधन देन। जम्मू कश्मीर दे गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सीनियर कांग्रेसी आगू राहुल गांधी नूं कश्मीर दा दौरा करन मगरों जमीनी हकीकत बारे बोलन लई कहा। TD न्यूज़ नाल विशेष गल्लबात दौरान मलिक ने कहा कि पिछले एक हफ्ते तों सूबे च अमन कानून की स्थिति बहुत वधिया है। इस हफ्ते दौरान जम्मू कश्मीर विच किसी व्यक्ति नूं सट फेट भी नहीं वजी है। राज्यपाल ने मीडिया च आईआं रिपोर्टां नूं सिरों खारज किया है कि जम्मू कश्मीर विच स्थिति आम वांग नहीं है। उन्हां सूबे दे लोकां ते विशेष तौर ते नौजवानां नूं अपील की है कि धारा 370 हुण इतिहास की गल बन गई है। सूबे दे विकास अते तरक्की
ਕਿ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਾਰੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਚਾਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਘਾਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨ ਵਰਸਿਜ਼ ਵਾਈਲਡ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੋਸਟ ਬੀਅਰ ਗ੍ਰਿਲਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਕਾਰਬੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘਪਾਲਰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗ੍ਰਿਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਪਾਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪਾਰਕ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਮੀਂਹ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਪੰਚਗੰਗਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਂਗਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਮੁੰਬਈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਰਾਜਮਾਰਗ ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 43 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਟਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ 9 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ 12 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘਿਰੇ ਕੋਈ 125 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਿਆਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਿੱਗ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀਅ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੱਥੂਮਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੜੀਸਾ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।